प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले में एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात सामने आई है, जहां देवर ने ही भाभी का हथौड़े और कैंची से वार कर कत्ल की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और हत्यारे देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल किया। सर, आज सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने आए पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है और जोर जोर उसके हंसते रही, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। तो क्यों, तुमको क्या कही है वो? नपुंसक कहती थी आए दिन की, इसका बड़ा भाई भी नपुंसक था, ये भी नपुंसक है। कौन कहता था? मेरी भाभी डॉक्टर सपना दत्ता। दरअसल ये पूरा मामला सिगरा थाना क्षेत्र के संत रघुवर नगर कॉलोनी इलाके का है, जहां उस वक्त इलाके में सनसनी फैल गई जब देवर अनिल कुमार दत्ता ने ही अपनी भाभी का बेरहमी से हथौड़ा और कैंची से वार कर कत्ल कर दिया। पूछताछ में हत्यारे देवर अनिल कुमार दत्ता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि दत्ता डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर सपना गुप्ता दत्ता उसे आए दिन नपुंसक कहती रहती थी, जिससे नाराज होकर अनिल कुमार दत्ता ने भाभी के सर पर हथौड़े और कैंची से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अभी भी इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है कि सर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। आरोपी देवर अनिल कुमार दत्ता ने वारदात के बाद सिगरा थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने घायल अवस्था में महिला डॉक्टर को मलदहिया स्थित एक निजी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 112 पर यह सूचना मिली थी कि एक महिला है सपना दत्ता, उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया है जो कि गंभीर अवस्था में है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, हमारी टीम आई है, तो ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इनका पारिवारिक विवाद है। तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमर फेसी अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और आगे हम जो जो हमारी हिरासत में जो अनिल दत्ता हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एफएसएल की टीम मौके पर आ रही है, हम अन्य साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है और इसका विधिक निस्तारण कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथौड़ी और कैंची को कब्जे में लिया गया। पूछताछ में हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल किया।